हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो चीज़ें। यस, एक तो अनुपमा डांस एकेडमी एंड दूसरा बाजू में वो है लीला का कैफे। बिल्कुल। तो गाइस, ये दो चीज़ हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये टॉप व्यू आपने देख ही लिया है। वेल, ये जो मैप है बाई क्रिएटिव स्टूडियो है, तो चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये देखिए, यहाँ से स्मोक आ रहा है कैफ़े का। तो ये गाइज, हम लोग अंदर जा रहे हैं एंड यहाँ पे भी कस्टम पेंटिंग का यूज़ किया है। अनुपमा सीरियल का सेट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक है ऊपर, आई बटन में जाके देख लेना। इसके बाजू में ही है लीला का कैफ़े, ठीक है। तो ये भी मैं दिखाऊंगा आप सबको। तो यहाँ पे रहती है डांस एकेडमी एंड अनुपमा की पूरी एकेडमी रहती है जहाँ पे डांस सिखाती है, ठीक है। तो जैसे ही एंटर होते तो सबसे पहले कोई भी डांस एकेडमी हो या फिर रिलेटेड टू डांस, तो लॉर्ड शिव, लॉर्ड नटराज आपको दिख ही जाएंगे। तो यहाँ पे भी रहते हैं। तो गाइस, चैनल पे नए हो देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा देना वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए। तो यहाँ पे स्पीकर्स भी पड़े हैं बाजू में, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर तो लिखा रहता है अनुपमा डांस एकेडमी, और ये डांस पोजिशन में पिक यहाँ पे रहती है। रियल में की मैं बात करूँ तो सीरियल के सेट की बात करें तो, एंड यहाँ पे पूरा ये हॉल है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह पड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरफ बैठ सकते हैं एंड सब कुछ। और यहाँ पे एक डोर रहता है, वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे भी स्पीकर वगैरह है। यहाँ पे देखिए, कस्टम पेंटिंग का यूज़ किया है, अनुपमा लिखा रहा है। और यहाँ पे ऊपर भी लिखा रहा है छोटे छोटे पेंटिंग के साथ। और गाइस, इस तरफ है रिसेप्शन एरिया, ये देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे है डेस्क रिसेप्शन एरिया की, एंड ये पूरा हॉल डांस एकेडमी का। वेल, ये जो गेट है जो देख रहे हो आप, ये कनेक्टेड है टू लीला का कैफ़े। तो चलिए, वहाँ पे भी मैं आपको ले चलता हूँ एंड फिर वहाँ से मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये वनराज जी का कैफ़े रहता है, नेम है लीला का कैफ़े। बट ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही अपन एंटर होते तो यहाँ पे एकदम ट्रेडिशनली सब कुछ यहाँ पे पूरा सेटअप रहता है। सेट में ये देखिए, ये जो गेट है मैं बता रहा था, यहाँ पे कनेक्टेड रहता है। सो काफ़ी अच्छा ये पूरा माइनक्राफ्ट के अंदर बनाया गया है, मुझे काफ़ी पसंद है गाइस, और आपको भी पसंद आया होगा। ये देखिए, यहाँ पे भी स्पीकर वगैरह पड़ा है। एंड ये पूरा जो एरिया है वो किचन का एरिया है, कुकिंग का एरिया है इस तरफ। एंड यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह है, सोफ़ा वगैरह, ठीक है। इधर वेटिंग एरिया है, और ये पूरा ये देखिए बहुत ही कलरफुल बैठने के कारपेट्स। यहाँ पे भी स्पीकर है, और ये देखिए इस तरफ की वॉल, यहाँ पे भी पूरा ट्रेडिशनली सब कुछ अरेंज किए गए। वेल, यहाँ पे दो विंडोज़ है, एक इस तरफ एंड एक इस तरफ। तो ये गाइस था पूरा सेट अनुपमा का। तो पहले ही मैंने बताया, वैसे उसके सीरियल के अंदर ये जो डांस एकेडमी थी एंड ये जो कैफ था ये। वेल गाइस, चलिए एक बार 360 व्यू भी हम लोग देख लेते हैं। तो बाहर की साइड से तो आपको कुछ प्रोफेशनल नहीं लगेगा, बट यस, अंदर एकदम परफेक्शन है। इसके बाहर आप सिर्फ वॉल कर दोगे, देन इट विल बी ऑल राइट, ठीक है गाइस। तो होप्स आप सबको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कीजिए, ठीक है गाइस। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।